स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे तुम्हारा ग्रामर सेक्शन। थोड़ा बेसिक से ले रहा हूँ, यहाँ तक कि आप लोगों के जो रिवीजन होगा, फिर भी ग्रामर के अंदर हम वॉइस को स्टार्ट करते हुए शुरुआत से फिर से बेसिक से ले रहे हैं। तो आपको हर टेंस की थोड़ी सी जानकारी देते हुए और थोड़ी डिटेल्स देते हुए, तो ऐसे तो आपको एक्टिव पैसिव के सारे रूल्स पता ही होंगे, फिर भी एक बार रिवाइज कराते हुए सिंपल प्रेजेंट टेंस से शुरुआत करते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने आपके सामने लिखी हुई है वो याद रखना बहुत जरूरी है। अगर एक्टिव वॉइस की ये रो है और पैसिव वॉइस की ये रो है, ये आपको याद होना चाहिए कि अगर ये एक्टिव वॉइस में आई है तो पैसिव करेंगे तो मी हो जाएगा, वी है तो अस हो जाएगा, यू है तो यू ही रहेगा, ही दिया हुआ है तो क्या होगा, हिम होगा। उसी तरह से सी है पैसिव में जाएगा तो हर होगा, दे है पैसिव में जाएगा तो धैम होगा, अगर कोई नाम दिया हुआ है तो वो एज इट इज ही रहे। उसी तरह से याद रखना है बच्चों कि भाई एक्टिव वॉइस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से ही होगी, यानी कि हमारे आई वी यू ही शी इट और दे, ये सारे के सारे हमारे क्या रहेंगे बेटा, ये हमारे सब्जेक्ट में रहेंगे। एक चीज और जो अपने यहाँ पर लिखने की रह गई थी वो लिख देता हूँ, इट अगर दिया हुआ है तो वो भी आई के बाद क्या रहेगा, इट ही रहेगा, ये चीज और याद रखना है। तो आई बी यू ही सी इट दे और है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, शायद आपको तो याद होगी। और पैसिव वॉइस याद रखना, पैसिव वॉइस की हमेशा शुरुआत, यहाँ पर मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखी है, हमेशा ऑब्जेक्ट से ही होगी। एक्टिव की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से, पैसिव की शुरुआत हमेशा ऑब्जेक्ट से। तो इसी तरह से जैसे ये फॉर्म मैंने आपको पूरा दिया हुआ है कि आई उधर जाएगा तो मी होगा, उसी तरह से मी इधर आएगा यानी एक्टिव में आएगा तो वो आई हो जाएगा, अल्टरनेट है दोनों, याद रखना जरूरी है। अस इधर आएगा तो वी हो जाएगा, यानी कि पैसिव में से एक्टिव में टर्न करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो एक सिंपल सी शुरुआत है फिर से एक बार आपके लिए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से शुरुआत करते हैं, जितने भी टेंस है याद रखना बच्चों, सभी टेंस के अंदर पांच टाइप्स होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच हाउ सेंटेंस और लास्ट में हु सेंटेंस। तो सभी की फॉर्मूला बराबर, सभी की फॉर्मूला वाइज हम उसके एक एक एग्जाम्पल भी लेते जाएंगे। एग्जाम्पल तुम्हारी टेक्स्ट बुक के ही मैंने लिए हुए है, जो रूल्स के मुताबिक तुम्हारे टेक्स्ट के ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आज स्टार्ट कर रहे हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का एफर्मेटिव टाइप, जिसकी फॉर्मूला गिनो या तो उसकी पैटर्न गिनो तो इस टाइप से होगी। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी याद रखना अगर सब्जेक्ट ही शी या तो इट दिया हो तो यहाँ पर एस या एस लगेगा, ये तो आपको माइंड में होगा। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ब, तो एक्टिव वॉइस की पूरी फॉर्मूला ऐसी ही होती है। अब पैसिव वॉइस की किस तरह से होगी, तो पैसिव वॉइस के अंदर सेंटेंस की शुरुआत जैसे मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट से होगी, तो ऑब्जेक्ट उसके बाद सपोर्टिंग वर्ब इज एम आर यूज होगा, क्या होगा, इज एम आर, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है हमारा, क्या है प्रेजेंट टेंस है तो क्या यूज होगा, इज एम आर, और वो किस पर डिपेंड्स होगा, ऑब्जेक्ट पर। अगर ऑब्जेक्ट आई दिया है तो एम लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट ही सी इट दिया है तो इज लगेगा, और ऑब्जेक्ट कोई प्यूरल फॉर्म में है या तो दे दिया है तो क्या लगेगा, आर लगेगा। और याद रखना है पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, एनी काइंड ऑफ द टेंसेस इट शुड हैव टू कन्वर्ट इनटू अ पैसिव वॉइस, यू हैव टू क्लियर दैट वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना पड़ेगा। कोई भी टेंस होगा पैसिव करोगे सेंटेंस का तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। उसके बाद बाय, और उसके बाद क्या होगा, जो यहाँ एक्टिव का सब्जेक्ट था वो बाय में, बाय के बाद चला जाएगा, यानी पैसिव में सब्जेक्ट बाय के पीछे चला जाएगा। उसके बाद अदर, अदर वर्ड कैसा है बेटा, सेंटेंस में दिया है तो लिखना है, नहीं दिया है तो नहीं लिखना है।
अब इस पर आधारित हम एक सेंटेंस ले लेते हैं। तो देखो ये तुम्हारे चैप्टर टू लॉर्ड स्प्रिंग का हमने सेंटेंस लिया है, आई आस्क ही इज देम, सिंपल सेंटेंस है। आई हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, आस्क हमारा क्या हुआ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ, और ही इज नेम जो है वो हमारा क्या हुआ ऑब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ बेटा ऑब्जेक्ट। तो रूल्स के मुताबिक सेंटेंस एक्टिव वॉइस है और सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, आस्क से पता चल जाता है। तो उसे हम जब पैसिव में टर्न करेंगे तो सेंटेंस रूल्स के मुताबिक पैसिव में ऑब्जेक्ट से शुरुआत होगी। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है ही इज नेम, तो वो हमने यहाँ पर लिखा ही इज नेम। फिर उसके बाद सपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा इज एम आर, तो इज नेम सिंगुलर फॉर्म में है तो यहाँ पर क्या यूज होगा इज। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्म था यहाँ पर थर्ड फॉर्म, तो हिज नेम इज आस्क्ड। फिर बाय कंपलसरी आपको लिखना है, फिर बाय और उसके बाद हमें जो आई था वो बाय के पीछे जाएगा, तो रूल्स के मुताबिक आई पीछे जाएगा तो मी होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया भाई आई एक्टिव में से पैसिव में जाएगा तो क्या हो जाएगा मी हो जाएगा। उस तरह से एक और सेंटेंस लेते हैं, their pitch their tent their tents, तो यहाँ पर सेंटेंस एक्टिव वॉइस है पैसिव करना है, तो शुरुआत का ऐसे होगी यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ और their tents ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। याद रखना हमको अदर वर्ड दिया नहीं है, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। तो सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से, तो their tents सिंगुलर टाइप नहीं है यहाँ पर प्लूरल टाइप है, इसके साथ क्या लगेगा आर, क्या लगेगा सपोर्टिंग वर्ब आर, और उसके बाद जो वर्ब था उसका थर्ड फॉर्म, तो their tents are pitched by, दे उधर जाएगा बाय के पीछे तो क्या होगा them, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है। तो ये था हमारा एफर्मेटिव टाइप, साथ साथ में हम नेगेटिव भी ले लेते हैं। तो याद रखना है प्रेजेंट टेंस है तो हमको जब उसका नेगेटिव करना हो तो सपोर्टिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में क्या यूज करेंगे डू और डस, तो सब्जेक्ट जिसकी फॉर्मूला इस तरह से है सब्जेक्ट डू डस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ब, ये याद रखना जरूरी है। ये हुई एक्टिव की फॉर्मूला नेगेटिव टाइप की, काय की बेटा नेगेटिव टाइप की। अब पैसिव में जब उसे टर्न करेंगे तो मैंने जैसा आपको बताया रूल्स के मुताबिक सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होगी तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद डू डस की जगह पर एज इट इज ऑब्जेक्ट के मुताबिक ही आपको इज एम आर लिखना है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आपको कंपलसरी लिखना पड़ेगा। जो रूल्स है वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर बाय फिर सब्जेक्ट देन अदर वर्ब, यानी हर पांचों के पांच जो भी टाइप है उसमें पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा बाय सब्जेक्ट देन अदर वर्ब। तो ये है वो हमारी फर्स्ट टाइप हमने लिया, उसके दो एग्जांपल लिए, याद रखना टेक्स्ट बुक के ही एग्जांपल है बच्चों। अब सेकंड टाइप जो लिया है उसके भी एग्जांपल हम तुम्हारे ही लेंगे। इस तरह से एक बार मैं आपको पांचों टाइप बता दूं, तो इस सेकंड टेंस अगर हम स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्ट हम उसके सेंटेंस लिखेंगे ताकि आपकी टेक्स्ट बुक के सेंटेंस भी क्लियर हो जाए। ओके बेटा, ओके बच्चों।